Hello everyone. Myself Rashmi Samant, Assistant Professor of Higher Institute. Today I will discuss about the topic Disorders of Sex Hormone Part 1, which is related to the subject Pathophysiology, Unit Third for b firm first year second semester students list of content and topics in this powerpoint presentation i will discuss about some topics like introduction of disorder of sex hormone pathophysiology of disorder of sex hormone include various points like definition of polycystic ovarian syndrome and hirsutism types etiology साइन एंड सिम्टम्स पैथोजेनेसिस डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ पॉलिसिस्टिक ओवरन सिंड्रोम एंड हर्सटिज्म इंट्रोडक्शन ऑफ डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हारमोन्स जो भी हमारे सेक्स हारमोन के इम्बैलेंस की वजह से डिसऑर्डर्स होते हैं उनका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे तो द सेक्स हार्मोन कंट्रोल प्यवर्टी रिप्रोडक्शन बर्थ एंड लैक्टेशन जो भी सेक्स हार्मोन होते हैं जो फीमेल और मेल की बॉडी से सिक्रेट होते हैं वो कुछ वेरियस चीज़ों को कंट्रोल करते हैं लाइक प्यवर्टी प्यवर्टी का मतलब होता है सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरस्टिक्स रिप्रोडक्शन बर्थ और लैक्टेशन लैक्टेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आफ्टर द डिलीवरी जो भी मदर्स होती हैं वो जब बेबी को फीड कराती है, तो उसे हैं तो उससे हम लैक्टेशन प्रोसेस बोलते हैं तो इन सारे प्रोसेस को जो हमारे सेक्स हारमोन होते हैं वो कंट्रोल करते हैं द सेक्स हारमोन इंक्लूडिंग टेस्टोस्ट्रोन इन मेल्स एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल्स आर रिक्वायर्ड इन मोस्ट ऑफ द बॉडी फंक्शन बट मेनली इन सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो सेक्स हारमोनस होते हैं अगर हम लोग फीमेल्स की बात करें तो उसमें ओवरी से एस्ट्रोजन सिक्रिएट होता है और मेल्स की बात करें तो उसमें टेस्टी से टेस्टोस्ट्रॉन सिक्रिएट होता है तो ये दोनों जो हार्मोन होते हैं ये बहुत सारे बॉडी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेकिन मेनली ये सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं द डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हारमोन रिप्रोडक्टिव हारमोन डिसऑर्डर अफेक्ट द ग्लैंड एंड बॉडी ऑर्गन प्रोड्यूसिंग दिस हारमोन जो डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन होते हैं या फिर जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव हार्मोन डिसऑर्डर भी बोलते हैं ये उन ग्लैंड को या उन बॉडी के ऑर्गन को इफेक्ट करता है जहाँ से ये हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं सम कॉमनली अक्रिंग सेक्स hormone डिसऑर्डर्स आर कुछ कॉमन जो सेक्स हार्मोन डिसऑर्डर्स होते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं फर्स्ट है पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम सेकेंड है हल्सटिज्म थर्ड है इलेक्ट्रॉल डिसफंक्शन और लास्ट वन है गाइनिकोमेस्टिया डेफिनेशन टाइप्स एंड एटियोलॉजी ऑफ पी सी ओ एस मीन्स सिंड्रोम की डेफिनेशन टाइप्स और एटियोलॉजी क्या क्या होती है डेफिनेशन ए हारमोनल डिजीज अफेक्टेड द लेवल्स ऑफ सेक्स हारमोन इन फीमेल्स इज टर्म्ड एज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक ऐसी हारमोनल डिजीज़ जो कि फीमेल की बॉडी में जो भी उसके रिप्रोडक्टिव हार्मोन होते हैं उसके लेवल को अफेक्ट करती है उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इट मेनली अफेक्ट्स द वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज एंड इस्ड बाय इेगुलर एंड प्रोलोंग्ड मैंश्योरल पीरियड एंड एक्सेसिव मेल हार्मोन एंड्रोजन लेवल ये मेनली वुमेन को जो उसकी रिप्रोडक्टिव एज होती है उसमें अफेक्ट करती है और जो हमारी पॉलीसिस्टिक ओवरिन सिंड्रोम है इसको हम लोग कैक्टरसाइज करते हैं कि इसमें फीमेल को इरेगुलर और प्रोलॉन्ग मैंशुरल पीरियड्स आते हैं और उसकी बॉडी में जो मेल हार्मोन होता है जिसको हम एंड्रोजन बोलते हैं उसका लेवल बढ़ जाता है सेकेंड है टाइप्स बेसिकली जो हमारा पॉलीसिस्टिक ओवरन सिंड्रोम होता है वो दो टाइप्स का होता है पहला है इंसुलिन रेजिस्टेंट पीसीओएस और दूसरा है नॉन इंसुलिन रेजिस्टेंस पी तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसमें जो पेशेंट होता है वो इंसुलिन के लिए रेजिस्ट हो जाता है और उसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं कि इसमें वेट गेन फेशियल हेयर या हेयर लॉस हो जाते हैं ठीक है जो नॉन इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है उसका मतलब होता है कि जो पेशेंट है वो इंसुलिन के लिए नॉन रजिस्टेंट हो जाता है नेक्स्ट है ईटियोलॉजी पॉलीसिस्टिक ओग्रेन सिंड्रोम के लिए कुछ बेसिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसमें पहला है जेनेटिक फैक्टर्स दिस डिसऑर्डर इज नॉट कॉज बाई एन अल्टरेशन इन ए सिंगल जीन जो पॉलीसिस्टिक ओग्रेन सिंड्रोम होता है वो एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि किसी सिंगल जीन में अल्टरेशन की वजह से कॉज नहीं होता है इट इज़ आइदर पॉलीजेनिक डिटर्मिनेशन ऑफ मैनी जीन्स एंड ओलियोजेनिक डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यू जीन्स ये बेसिकली या तो पॉलीजेनिक कंडीशन में हो सकता है मतलब इसमें ज़्यादा जीन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं उनमें म्यूटेशन हो सकता है या फिर ओलियोजेनिक कंडीशन में हो सकता है इसमें कुछ जीन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं तो जो हमारा ओवरन सिंड्रोम है वो सिंगल जीन में अल्ट्रेशन की वजह से कॉज नहीं होता है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पी जो हमारा पॉजिटिव एजेंट था उसका सेकेंड पॉइंट है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में द वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर पुअर डाइट्री चॉइसेस एंड लेस फिज़िकल एक्टिविटी रिजल्टिंग इन ओबेसिटी फीमेल्स की बॉडी में अगर वो पुअर डाइटरी चॉइसिस हैं उनकी मीन्स अगर वो लेस न्यूट्रिशियस फूड का इंटेक कर रही है और ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन में रहती है तो उस केस में भी उसकी बॉडी में जो भी रिप्रोडक्टिव हारमोन्स होते हैं उसमें इम्बैलेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं और जो भी फीमेल होती है उसको पॉलीसिस्टिक ओवरन सिंड्रोम कॉज हो जाता है नेक्स्ट है कि अगर कोई भी फीमेल लेस फिज़िकल एक्टिविटी करती है जिस वजह से उसे ओबिसिटी होता है तो वो भी हमारी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन है उसके डिसरेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और फीमेल को पॉलीसिस्टिक ओवरेन सिंड्रोम कॉज हो जाता है नेक्स्ट है कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज रिच डाइट अगर कोई भी फीमेल ज़्यादा कैलोरी रिच डाइट का इंटेक करती है और लेस फिज़िकल एक्टिविटी करती है तो उस केस में भी उसके बॉडी में हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से उसे पॉलीसिस्टिक ओवरेन सिंड्रोम कॉज हो जाता है नेक्स्ट है हाई इंटेक ऑफ डायट्री एडवांस ग्लेक्टेशन इन प्रोडक्ट अगर कोई भी पर्सन ज़्यादा एडवांस ग्लेक्टेशन इन प्रोडक्ट का इंटेक करता है तो उस केस में भी डायट्री डिस्टर्बेंस की वजह से या ओबेसिटी की वजह से उसकी बॉडी में हारमोनल इनरेगुलेशन होने लगता है और पॉलीसिस्टिक ओब्रैन सिंड्रोम कॉज हो जाता है लास्ट पॉइंट है फीटल एक्सपोजर टू एक्सेस एमाउंट ऑफ मटर्नल एंड्रोजन लाइक बिस्फिनॉल ए अगर कोई भी ऐसे अमाउंट होते हैं जिसमें कि एंड्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है जैसे कि बिस्फिनॉल ए तो कुछ भी अगर इस तरीके की हम चीज़ों का इंटेक करते हैं तो वो भी हमारी बॉडी में हार्मोनल रेगुलेशन को डिस्टर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और पेशेंट को पॉलीसिस्टिक ओवर सिंड्रोम स्पेशली फीमेल्स को कॉज हो जाता है नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स इन द केस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरन सिंड्रोम कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जैसे कि इरेगुलर पीरियड या फिर हैवी ब्लीडिंग ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सिम्टम होता है इन द केस ऑफ पॉलिसिस्टिक ओवर सिंड्रोम नेक्स्ट है हल्सुट्म इसका मतलब होता है एक्सेसिव अनवॉन्टेड हेयर ग्रोथ नेक्स्ट है एक्ने एक्ने में हाई लेवल ऑफ मेल हारमोन इन वुमेन मेक देयर स्किन कंपेरटिवलीयलर अगर हमारे जो मेल हार्मोन है उसका लेवल फीमेल की बॉडी में ज़्यादा होता है तो जो फीमेल की स्किन होती है उसको वो ऑयलर बना देता है एज कंपेयर टू नॉर्मल वन इसे हम एक्ने कंडीशन बोलते हैं नेक्स्ट है इसमें वेट गेन हेडक और स्किन डार्कनिंग, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं इन द केस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरन सिंड्रोम Pathogenesis and Diagnosis of Polycystic Ovarian Syndrome Pathogenesis Polycystic Ovarian Syndrome occur due to increased luteinizing hormone. This is occurred due to defect of hypothalamic pituitary axis. And insulin resistance PCOS occurs due to abnormality of insulin secretion and action. They both causes... द डिसरेगुलेशन ऑफ एंड्रोजन सिक्रीशन एंड इंक्रीज द इंट्रा ओवरैन एंड्रोजन एंड कॉजिस द पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है उसका पैथोजेनिस दो रीजनस की वजह से होता है पहला इसमें पॉइंट है कि जो पॉलिसिस्टिक ओवरन सिंड्रोम है वो कॉज होता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हारमोन और जो ल्यूटनाइजिंग हारमोन है वो अगर हमारे हाइपोथल पिट्यूटरी एक्सेज में कोई भी डिफेक्ट आ जाता है तो उस वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमारा बढ़ जाता है ठीक है दूसरी कंडीशन है कि बॉडी अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो उस वजह से हमें हाइपर इंसुलिया कंडीशन हो जाती है और ये बेसिकली कब होती है जब हमारे इंसुलिन के सिक्रीशन में या एक्शन में कोई भी एबनॉर्मलिटी हो जाती है तो चाहे हमारी बॉडी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाए या फिर हमारी बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन और उसके एक्शन में एबनॉर्मिलिटी आ जाए ये दोनों ही चीज़ें जो एंड्रोजन सिक्रीशन होता है बॉडी में उसमें डिसरेगुलेशन कॉज कर देती है ठीक है जिस वजह से हमार हमारी बॉडी में इंट्रा ओवराइन एंड्रोजन का जो सिक्रीशन होता है वो बढ़ जाता है और हाइपर एंड्रोजिनज कंडीशन आ जाती है हाइपर एंड्रोजिज्म कंडीशन का मतलब होता है एंड्रोजन का सिक्रेशन बॉडी में बढ़ जाना जिस वजह से हमें कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं लाइक हर्सुटिज्म एक्ने और हमारा पॉलीसिस्टिक ओवर सिंड्रोम कॉज हो जाता है नेक्स्ट है डायग्नोसिस इन द केस ऑफ डायग्नोसिस हम कुछ टेस्ट करते हैं जिसमें पहला है पेल्विक एग्जामिनेशन द डॉक्टर एग्जामिन्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू डिटेक्ट एनी masses ग्रोथ एंड अदर abnormalities जो पेल्विक examination होता है उसमें डॉक्टर हमारे पेल्विक रीजन को examine करता है ठीक है और इसमें जो भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें ये चीज़ चेक करता है कि किसी भी तरीके का मास ग्रोथ या किसी भी तरीके की अदर एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं हुई हैं जिस वजह से हमें पॉलिसिस्टिक ओवरन सिंड्रोम कॉज हो रहा है सेकेंड है हमारा लेबोरेटरी टेस्ट इसके अंदर हम लोग ब्लड टेस्ट करेंगे दीज टेस्ट इवेलुएट द हारमोन ग्लूकोज एंड लिपिड लेवल्स जो ये टेस्ट होते हैं ये बेसिकली जो भी हमारे ग्लूकोज या लिपिड लेवल्स होते हैं उनको इवेलुएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं द टेस्टोस्ट्रॉन लेवल एंड्रोजन प्रोलेक्ट्रॉन ल्यूटनाइजिंग हारमोन फॉलिकल इस्टेटिंग हारमोन रेशियो आर डिटरमाइंड बाय ब्लड टेस्ट ब्लड क्लर्स के थ्रू हम लोग जितने भी हारमोन्स हैं लाइक अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल है या एंड्रोजन लेवल है बॉडी में प्रोलैक्टिन है ल्यूटिनाइजिंग हारमोन है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हारमोन है इन सब के रेशो को भी डिटरमाइन करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पी सी ओ एस सिंड्रोम के क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं इसमें हमारा पहला पॉइंट है नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच दिस मेनली इंक्लूड वेट रिडक्शन फॉर ऑप्सिस परसन्स या पेशेंट्स वेट लॉस में हेल्प टू डिक्रीज द लेवल ऑफ एंड्रोजेंस इंसुलिन एंड ल्यूटिनाइजिंग हारमोन जो नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच होता है उसमें हम लोग जो भी ओबिसिटी वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें ये चीज़ देखते हैं कि कैसे वो अपना वेट रिडक्शन कर सकते हैं क्योंकि जो वेट लॉस होता है वो बेसिकली हेल्प करता है कि जो भी हमारी बॉडी में एलिवेटेड लेवल पे हारमोन्स हैं लाइक एंड्रोजन हारमोन इंसुलिन और ल्यूटिनाइजिंग हारमोन उनके लेवल को डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नेक्स्ट है हमारा फार्माकोलॉजिकल अप्रोच फार्माकोलॉजिकल अप्रोच में हम लोग कुछ बेसिक कैटेगरी की ड्रग्स देंगे जिसमें पहला है एंटी डायबिटिक ड्रग एंटी डायबिटिक ड्रग के अंदर हम लोग मेटफॉर्मिन और थिया डाइन ड्रग्स देते हैं जो कि फर्टिलिटी में हेल्प करती हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंट को डिक्रीज़ करती हैं सेकेंड हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकेशन देते हैं जो कि मैंश्यूलर पीरियड को और ब्लीडिंग को रेगुलेट करता है इन द केस ऑफ फीमेल्स नेक्स्ट हम लोग एंट्री एंड्रोजन मेडिकेशन देते हैं इसमें हम लोग स्पायरनोलैक्ट्रॉन फ्लूटामाइड ये मेडिकेशन्स प्रोवाइड करते हैं जो कि एंड्रोजन के लेवल को डिक्रीज़ करते हैं इन द केस ऑफ फीमेल बॉडी और जो हर्सुटिज़्म और एक्ने कंडीशन होती है हर्सुटिज़्म का मतलब होता है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ तो इन सारी जो कंडीशंस होती हैं इसको रिड्यूस करते हैं इनके सिम्टम्स को प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ पॉलिसिस्टिक ओवर सिंड्रोम प्रिवेंशन इन द केस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरन सिंड्रोम हम लोग को अपना बॉडी का वेट मेंटेन रखना चाहिए एक्सरसाइजिस प्रॉपरली करनी चाहिए हेल्दी डाइट इंटेक करना चाहिए जंक फूड को नहीं खाना चाहिए और प्रॉपर मेडिकेशंस लेनी चाहिए कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं इस केस में इनफर्टिलिटी कॉज हो जाती है फीमेल्स में बहुत ज़्यादा मैंशुरल साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से डिप्रेशन और एनजाइटी जैसी कंडीशंस आ जाती हैं एंड्रोमेटेरियल या ब्रेस्ट या ओवर कैंसर हो जाता है हाइपरटेंशन टेंशन हो जाता है और कुछ केसेस में डायबिटीज मिलाइटिस भी हो जाती है डेफिनेशन एंड इथियोलॉजी ऑफ हर्सुटिज्म डेफिनेशन ए कंडीशन इन विच अनवांटेड डार्क एंड रफ हेयर ग्रोज ऑन द फेस बैक एंड चेस्ट ऑफ वुमेन इज टर्म्ड एज हरसुटिज्म हर्सटिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वुमेन के फेस बैक और चेस्ट में अनवॉन्टेड डार्क और रफ हेयर की ग्रोथ होने लगती है द हेयरनेस इन अफेक्टेड वुमेन इंडिकेट एब नॉर्मल एंड्रोजन एक्शन विच इज़ अ सीरियस और नॉन सीरियस मेडिकल सिचुएशन जो भी हमारी अफेक्टेड वुमेन है उसमें जो भी हेयरनेस हो जाती है मींस जो ज़्यादा हेयर अनवॉन्टेड हेयर दिखने लगते हैं वो ये इंडिकेट करता है कि उसकी बॉडी में एब नॉर्मल एंड्रोजन लेवल है ठीक है जो कि एक सीरियस और नॉन सीरियस मेडिकल सिचुएशन हो सकती है इट्स डिपेंड कि कितना ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो रहा है फीमेल की बॉडी में ईटोलॉजी इन द केस ऑफ हर्सुटिज्म कुछ कॉमन पॉजिटिव एजेंट होते हैं जिसमें पहला पॉइंट है ट्रूमर्स एंड एंड्रोजन सिक्रेशन ट्यूमर ऑफ ओवरीज और एडनर ग्लैंड में कॉज हर्सटिज्म मीन्स कि अगर हमारी ओवरी में या एडनर ग्लैंड में किसी भी तरीके के ट्यूमर्स होते हैं ठीक है तो वो एंड्रोजन के लेवल को डिस्टर्ब कर देते हैं और हाई एंड्रोजन लेवल की वजह से ही हमें हर्सटिज्म कंडीशन कॉज हो जाती है सेकेंड है कुशिंग सिंड्रोम इट अकर् वेन इन द बॉडी लेवल्स ऑफ कॉटिसोल हार्मोन बिकम टू हाई प्रोडक्शन बाय द एडनर ग्लैंड कुशिंग सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें अगर हमारी बॉडी में जो एडनर ग्लैंड होती है जो कॉटिसोल हार्मोन को सिक्रीट करती है उसका लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उसे हम लोग कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं तो अगर हमारी बॉडी में कॉटिसोल हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें एंड्रोजन हार्मोन भी सिक्रियट होता है उसका लेवल अगर इनबैलेंस हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा तो वो हर कंडीशन को कॉज कर देगा नेक्स्ट है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज अकरिंग ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ सेक्स हार्मोन दिस रिजल्ट इन इनरेगुलेशन पीरियड ओबेसिटी, इनफर्टिलिटी एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवर ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन कॉज होता है जिसमें कि हमारे जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनमें इम्बैलेंस हो जाता है उस वजह से हमें पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कॉज होता है ठीक है जिसके कुछ कॉमन सिम्टम्स क्या क्या हैं कि इसमें हमें इरेगुलर पीरियड्स होते हैं ओबिसिटी हो जाती है इनफर्टिलिटी हो जाती है या फिर हमारी ओवरी में सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है तो इस वजह से भी अगर हमारी फीमेल की बॉडी में जो सेक्स हार्मोन है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो कहीं ना कहीं एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और वो हर्सिटिज्म कंडीशन को कॉज कर देता है हर्सुटिज्म के केस में जो लास्ट हमारा पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है कॉन्जिनेटल हाइपरप्लेसिया। इट रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन इंक्लूडिंग कॉर्टिसोल एंड एंड्रोजन फ्राम द एडनल ग्लैंड इन एबनॉर्मल अमाउंट जो कॉन्जिनेटल एडनर हाइपोप्लेसिया होता है एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि बाय बर्थ होती है पेशेंट के साथ और इसमें जो भी हमारे स्टोरॉयड हारमोन्स होते हैं जैसे कि कॉर्टिसोल या एंड्रोजन उसका लेवल बॉडी में डिस्टर्ब हो जाता है कॉर्टिसोल के अंदर हम लोग बेसिकली दो हार्मोन्स की बात करते हैं मिनरलो कॉर्टिकोड और ग्लूको और एंड्रोजन ये तीनों ही हार्मोन हमारे एडनल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं तो अगर ये एड अमाउंट में सीक्रेट होंगे तो हमें कॉन्जिनेटल एडनल हाइप्लेसिया कॉज हो जाता है जिस वजह से अगर एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो हर्सिटिज्म कंडीशन कॉज हो जाती है साइन सिम्टम्स इसमें पहला सिम्टम है डेवलपमेंट ऑफ स्टिफ एंड डार्क हेयर ऑन द फेस चेस्ट एंड बैक ऑफ वुमेन वुमेन के फेस चेस्ट और बैक में डार्क और स्टिफ्ट हेयर का डेवलपमेंट हो जाता है वेन द एंड्रोजन लेवल बिकम टू हाई द फॉलोइंग सिम्टम्स आकर अगर एंड्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जैसे कि डीपनिंग ऑफ वॉइस वॉइस में बहुत ज़्यादा डीपनिंग हो जाती है डिक्रीज इन ब्रेस्ट साइज जो ब्रेस्ट साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है इंक्रीज इन मसल मास और जो मसल मास होता है हमारा वो इंक्रीज हो जाता है डायग्नोसिस टेस्ट मेजरिंग द ब्लड लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन लाइक हारमोन डिटरमाइंस वट एवर और नॉट द एलिवेटेड लेवल ऑफ एंड्रोजन आर कॉजिंग हर्सट मतलब कुछ हम लोग ब्लड लेवल टेस्ट करते हैं जिसमें कि हम लोग ये चेक करते हैं कि जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है उसका लेवल कितना बढ़ा हुआ है या एंड्रोजन का लेवल कितना बढ़ा हुआ है क्या रीज़न है कि हमें हार्सुटिज्म कॉज हुआ है तो उसके लिए हम लोग जो भी हमारे मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनके लेवल को चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड टेस्ट द डॉक्टर रिकमेंड्स एन अल्ट्रासाउंड और ए सी टी स्कैन टू चेक द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर्स और सिस्ट ऑन ओवरेज एंड एड इन द केस ऑफ हर्सिटिज्म जो डॉक्टर होता है वो कोई भी अल्ट्रासाउंड या फिर कंप्यूटर टोमोग्राफी जो स्कैन होता है उसको भी रिकमेंड करता है ताकि हम लोग ये चेक कर सकें कि हमारी ओवरी या फिर एडनर ग्लैंड में किसी तरीके की सिस्ट या ट्यूमर तो नहीं फॉर्मेशन हो रखा है जिस वजह से हमारी बॉडी में जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है उसका डिस्टरबेंस हो या फिर अगर एडनर ग्लैंड में सिस्ट हुई हो तो वो जो हमारा एंड्रोजन हार्मोन है उसके लेवल को इम्बैलेंस कर देता है और अगर उसका लेवल बढ़ जाएगा तो हमें हर्सटिज्म कंडीशन हो जाती है ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ़ हर्सटिज़्म कुछ कॉमन ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे कि इसमें पहला है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हर्सटिज्म कॉज्ड बाय एंड्रोजन प्रोडक्शन इज ट्रीटेड विथ बर्थ कंट्रोल पिल्स एंड अदर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेनिंग एस्ट्रोजन एंड प्रोजिस्ट्रॉन जो हर्सिटिज्म होता है जो कि एंड्रोजन के ओवर प्रोडक्शन की वजह से कॉज होता है वो हमारा बर्थ कंट्रोल पिल्स के थ्रू हम उसे ट्रीट करते हैं ठीक है और इसके अलावा कुछ ऐसे अदर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं जो कि इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन को कंटेन करते हैं तो अगर हम उन्हें भी प्रोवाइड करेंगे तो वो एंड्रोजन के लेवल को डिक्रीज कर देते हैं इन द केस ऑफ फीमेल बॉडी नेक्स्ट है एंट्री एंड्रोजन स्पायरोनोलेक्ट्रॉन एक्ट बाय ब्लॉकिंग एंड्रोजेंस फ्राम अटैचिंग टू रिसेप्टर इन द बॉडी जो स्पायरल एक्टोन होती है वो बेसिकली जो एंड्रोजन होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है क्योंकि ये जाके बॉडी में रिसेप्टर्स में बाइंड हो जाती है और एंड्रोजन को जाके ब्लॉक कर देती है तो जो हाई एंड्रोजन लेवल है वो धीरे धीरे मिनिमाइज हो जाता है नेक्स्ट है टॉपिकल क्रीम्स टॉपिकल क्रीम्स आर यूज ओवर द अफेक्टेड एरिया टू स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ न्यू हेयर्स हम लोग कुछ टॉपिकल क्रीम्स का भी यूज़ करते हैं जो भी हमारे अफेक्टेड एरिया होते हैं बॉडी के ताकि जो भी नए हेयर्स की ग्रोथ है उसको वो टॉपिकल क्रीम्स स्लो डाउन करें कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें पहला है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस में हम एक तीन निडल लेते हैं जो कि हम लोग इंसर्ट करते हैं जहाँ पे भी हमारा हेयर फॉलिकल्स होता है वहाँ पे और उसको डैमेज कर देते हैं थ्रू द इमिटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट तो इसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस भी कहते हैं नेक्स्ट थेरेपी है लेज़र थेरेपी द लेजर बीम हाईली कंसनट्रेटेड लाइट इज पास्ड ओवर द स्किन टू डैमेज देयर हेयर फॉलिकल्स एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ हेयर्स एक लेज़र बीम होती है लेजर थेरेपी होती है उसमें हम लोग हाईली कंसनट्रेटेड लाइट को जो भी हमारी स्किन होती है उसके पास करवाते हैं और जो भी अनवांटेड हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसको डैमेज कराते हैं स्किन में और ज़्यादा एक्सेसिव हेयर ग्रोथ से प्रिवेंट करते हैं तो इसे हम लोग लेज़र थेरेपी बोलते हैं okay. प्रिवेंशंस इन द केस ऑफ़ हर्सुटिज्म कुछ कॉमन प्रिवेंशन होते हैं कि हमें अपना वेट लॉस करना चाहिए एक्सरसाइज को रेगुलरली करना चाहिए और एक हेल्दी और बैलेंस डाइट इनटेक करनी चाहिए कॉम्प्लिकेशन इन द केस ऑफ़ हर्सुटेजम कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशन होते हैं जैसे कि डिप्रेशन क्योंकि अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अनवांटेड बॉडी हेयर ग्रोथ हो जाएंगे तो उस वजह से हमें डिप्रेशन हो जाता है फील सेल्फ कॉन्शियस अबाउट हैविंग अनवॉन्टेड बॉडी हेयर जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस फील करने लगता है क्योंकि उसकी बॉडी में अनवान्टिड बॉडी हेयर्स का ग्रोथ हो जाता है इरेगुलर पीरियड्स कॉज हो जाते हैं और पॉलीसिस्टिक ओवराइन सिंड्रोम या फिर इनफर्टिलिटी ये भी कॉम्प्लीकेशन है हर्स्टिज़्म के डिफ्रेंसेस दीज़ आर समाँ से ये पावर पॉइंट प्रजेंटेशन का कंटेंट लिया गया है थैंक यू सो मच